नमस्कार इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और इस वक्त की अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। आखिरी चरण में पूर्वांचल में चुनाव, राजनेताओं ने किया पूर्वांचल का रुख। आखिरी चरण में लोकसभा चुनाव, राजनेताओं ने किया पूर्वांचल का रुख। वाराणसी प्रवास पर जाएंगे पीएम, कल से 1 जून तक वाराणसी में रहेंगे पीएम मोदी। इसके अलावा जेपी नड्डा, अमित शाह की भी वाराणसी में ताबड़तोड़ जनसभाएं। अखिलेश यादव ने भी पूर्वांचल का किया रुख, आज गाजीपुर में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। तो सातवें चरण का चुनाव नजदीक आते आते पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दलों का गढ़ बन चुका है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम वाराणसी में जिस तरह से डेरा जमा चुकी है, वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पूर्वांचल में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे अखिलेश यादव। कल 1 जून से कल से 1 जून तक वाराणसी प्रवास पर रहेंगे पीएम मोदी। 5 दिनों के लिए वाराणसी की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में डेरा जमाकर पूर्वांचल की सभी सीटों पर रखेंगे पैनी नजर। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है, जिसकी जानकारी देते हुए आप नेता आतिशी सिंह ने बताया है कि जब केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे तो उनका वजन 7 किलो कम हुआ था। अचानक वजन कम होना चिंता का विषय है। डॉक्टरों की हिरासत से बाहर आने पर चिकित्सकीय देखरेख में होने के बावजूद वो अपना वजन दोबारा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआती परीक्षणों से पता चलता है कि उनका कीटोन का स्तर बहुत अधिक है। उच्च कीटोन स्तर के साथ उनका वजन अचानक कम हो गया है। गंभीर चिकित्सकीय बीमारियां जिनमें कैंसर सहित गुर्दे की क्षति भी शामिल है, इसलिए डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि उन्हें अपने पूरे शरीर के पीईटी स्कैन और ऐसे अन्य गंभीर परीक्षण सहित कई जांचों की आवश्यकता है। Delhi's Chief Minister Mr. Arvind Kejriwal has filed for a 7-day extension of his interim bail. As everybody knows, when he was in ED custody, when he was in judicial custody, he lost 7 kgs of weight. This sudden weight loss, unexplained weight loss, is a matter of concern for doctors. Despite being out of custody and under medical supervision, he has not been able to regain that weight again. Early tests have indicated that his ketone levels are extremely high. Unexplained sudden weight loss along with high ketone levels could be the indicator of some serious medical ailments, including damage to the kidneys, including cancer as well. And therefore, doctors have suggested that he needs to have a set of series of investigation, including PET scan of his entire body and other such serious tests. Because for diseases, be it like cancer, be it like kidney diseases, detecting them at early stages is extremely important because these are rapidly progressing diseases. So this is why we have asked for a 7-day extension so that he can get all of these tests done, start whatever medication has to be started, and then 1 week later, on 9th, he will surrender instead of on 2nd. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म पर आधारित आरक्षण पर भारतीय गठबंधन पार्टियों पर हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा है कि धर्म आधारित आरक्षण असंवैधानिक है। बीआर अंबेडकर ने इसका विरोध किया था, इसके बावजूद भारतीय गठबंधन के दलों से मुसलमानों को आरक्षण देने की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस ने ओबीसी के कोटे में कटौती करके मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन किया। उन्होंने ओबीसी कोटा में बदलाव के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सचर के नेतृत्व में समिति का गठन किया था। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कर्नाटक, पश्चिम बंगाल की सरकारों ने धर्म आधारित आरक्षण को असंवैधानिक बताने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया है। देखिए, धर्म के आधार पर आरक्षण यह असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत की संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का।
और कांग्रेस का इतिहास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने ओबीसी का हिस्सा काट करके मुस्लिमों को देने का कुत्सित प्रयास किया था जब यूपीए गवर्नमेंट थी। ऐसे ही कांग्रेस ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी बना करके अनुसूचित जाति के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था, कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कुत्सित प्रयास किया था। बीजेपी और एनडीए ने उसका विरोध किया था। कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने उस वहां के ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को दिया था। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाया है। वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी ने 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके पिछले 14 वर्ष से लगातार ओबीसी के आरक्षण के अधिकार पर उन्होंने पूरी तरह एक प्रकार की डकैती डाली है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कोलकाता हाईकोर्ट को, जिन्होंने टीएमसी के इस प्रकार के असंवैधानिक कृत्य पर जोरदार तमाचा मारा है और धार्मिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है बात स्पष्ट कहते हुए उन्होंने सभी मुस्लिम जातियों को इससे बाहर किया है। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पहुंचे हुए हैं। मंत्री और जो आप निरोवा के साथ फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं, ऐसे ऐसे दयाशंकर सिंह जी, दयाशंकर भी कह रहे हैं कि मैं फिल्मों में काम करूंगा। एमएलसी श्री प्रसाद सिंह चंचल जी, युवा नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के सुपुत्र श्री पीयूष राय जी, लोकसभा के प्रभारी मार्कंडे शाही जी, संयोजक राजीव मोहन चौधरी जी, संदीप सिंह जी, श्याम राज तिवारी जी, कृष्ण बिहारी राय जी, विजय शंकर राय जी, ओम प्रकाश राय जी, मोहम्मदाबाद क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं भारत माता के महान सपूतों, क्रांतिकारियों की इस पावन धारा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके उत्साह के लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, मोहम्मदाबाद क्षेत्र के लिए स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के बहुत सारे सपने थे। यहां के विकास को लेकर के वे अत्यंत चिंतित रहते थे, लगातार प्रयास करते थे, संघर्षों से तपे थे। बहनों और भाइयों, जब भी कृष्णानंद राय जैसा कोई कार्यकर्ता, कोई जनप्रतिनिधि विकास के लिए कोई प्रयास करता था, ये समाजवादी पार्टी ऐसे युवाओं नेताओं को माफियाओं की भेंट चढ़ा देता था। और याद करिए, जिन लोगों ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या में कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, बल्कि हत्यारों को संरक्षण दिया,
वे लोग आज माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए आते हैं। मैं कहना चाहता हूं, कृष्णानंद राय विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, श्री श्याम शंकर राय उनके साथ में थे, रमेश राय साथ में थे, रमेश पटेल साथ में थे, मुन्ना यादव साथ में थे, अन्य लोग साथ में थे, सब मारे गए। और किस बर्बरता के साथ मारा गया था, बहन और भाइयों, तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये दोनों जब मिलते हैं कोई ना कोई अनर्थ होता है, हमें फिर से अनर्थ नहीं होने देना है, और यही अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, यही अपील करने के लिए मैं आज आया हूं आपके पास। हमें तो गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि आज हम लोग एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जो कल्पना कभी देश के प्रथम स्वातंत्र समर के लिए महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे ने की थी, जो कामना चित्तू पांडे ने की थी, विकास की जो तड़प पूर्व प्रधानमंत्री सरदी चंद्रशेखर जी में थी, और मोहम्मदाबाद की समग्र विकास के लिए जो चिंतित रहते थे, ऐसे कृष्णानंद राय के सपनों का मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, बलिया, उत्तर प्रदेश और भारत बने, मोदी जी और योगी जी यही प्रयास कर रहे हैं और इसी के लिए आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, क्या मुन्ना यादव, जिसको मुख्तार जैसे माफिया ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय के साथ हत्या की थी, क्या वह पिछड़ी जाति का नहीं था? क्या रमेश पटेल पिछड़ी जाति के नहीं थे? बहनों और भाइयों, क्या प्रयागराज के माफिया के द्वारा मारा गया वहां पर पूजा पाल के पति राजू पाल क्या पिछड़ी जाति के नहीं थे? या जया पाल के पति उमेश पाल क्या ये पिछड़ी जाति के नहीं थे? और इन माफियाओं को, इन निर्दोष लोगों की हत्या करने की छूट सत्ता कैसे दे देती है? और इसीलिए तो हम कहते रहे हैं, हमारा भी संकल्प, अगर उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था, उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज माफिया मिट्टी में मिल गए तो लाखों करोड़ रुपया निवेश यूपी में आ रहा है। और मैं कह सकता हूं आपको, जो यहां पे नीरज शेखर कह रहे थे, जो वो कह रहे थे कि यहां के पूर्वांचल के नौजवानों को पूर्वांचल में नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा भी यही संकल्प है। अब ये गाजीपुर से लखनऊ जा रहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और इसका बलिया जा रहा लिंक एक्सप्रेसवे, इसी औद्योगिकीकरण के लिए ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने इसीलिए बनाया है। यही फैक्ट्री लगेगी, यही नौकरी मिलेगी, यही काम मिलेगा। और अब तो आपके पास हाईवे भी, रेलवे भी, बगल में एयरपोर्ट भी, कई एयरपोर्ट, आजमगढ़ में एयरपोर्ट, गोरखपुर में, वाराणसी में, और साथ साथ मां गंगा है,
तो वाटरवे भी। वाटरवे का मंत्री हमारे प्रदेश में ये दया शंकर ही हैं। इसको थोड़ा समझाइए, कहिए कि निरुआ के साथ निरुआ को ही फिल्मों में काम करने दीजिए, ये स्वयं मंत्री के रूप में काम करे। कह रहे हैं कि मुझे निरुआ के साथ गाना गाना है और उनके साथ डांस करते हुए फिल्म बनानी है। हमने कहा भी देखो तुम्हें तो अपना वजन कम करने में ही 10 साल लग जाएंगे, तब तक तुम बूढ़ा जाओगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों आप देखिए, जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है विकास भी होता है, निवेश होता है, रोजगार का सृजन होता है। नौजवान हमारा यही नौकरी पाएगा, रोजगार पाएगा, और यही तो हम कर रहे हैं। मोदी जी ने देश को 10 वर्ष में इसी बात को लेकर चमकाया है। और बहनों और भाइयों 7वें चरण का अंतिम चरण के चुनाव के लिए आज हम आपके बीच आए हैं। पूरे देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहां कहीं हम जाते हैं, लोगों के मन में एक ही भाव है, एक ही संकल्प है। हर ओर लोग कहते हैं, जब हम कहते हैं क्या होगा तो जनता कहती है फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये तो केवल 60-62 सीटों पे ही चुनाव लड़ रही है, 60-62 सीटों पर। और यादवों में भी देना था, सब अपने खानदान के दे दिए, यानी सेफई के अलावा प्रदेश में कहीं नहीं। अरे कहीं निरुआ भी है, बीजेपी ने उनको बनाया। मैं तो मुंबई गया था, निरुआ वहां फिल्मों में काम कर रहा था। मैंने कहा भी निरुआ, अरे मुंबई के लिए बहुत किया है, चलो गाजीपुर आजमगढ़ के लिए कुछ करो। और देखो 2 साल से, पिछले 5 साल से लगातार आजमगढ़ और गाजीपुर में काम भी कर रहे हैं, फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे हैं और वहां का विकास भी कर रहे हैं। देखो निरुआ के सांसद आजमगढ़ के बनने के बाद वहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी जुड़ गया, वहां एयरपोर्ट भी आ गया, वहां विश्वविद्यालय भी बन गया, वहां मेडिकल कॉलेज भी बन गया, नर्सिंग कॉलेज भी बन गया और संगीत महाविद्यालय भी बन गया है। देखो जब अच्छे लोग चुनते हैं विकास भी अच्छा होता है, और ऐसे ही मोदी जी ने देश के अंदर किया है। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है देश। तो आप बलिया से सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी सभा के दौरान जनता को संबोधित कर रहे थे, और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, पंजाबी बाजार का नाम बदलकर छपवाया इस्लामिक बाजार, मुस्लिम व्यापारी की करतूताई सामने, स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पुलिस प्रशासन में मची खलबली, पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद किए इस्लामिक लिखे थैले, पुलिस ने दुकान संचालक वाहिद कुरैशी को हिरासत में लिया, एसडीएम ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड की दी स्वीकृति। वही मथुरा के कोसी कला थाना क्षेत्र के पंजाबी बाजार का मामला, तो मुस्लिम व्यापारी की करतूताई सामने, भारी मात्रा में बरामद किए गए इस्लामिक लिखे थैले, मथुरा के कोसी कला थाना क्षेत्र के पंजाबी बाजार का मामला, स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पुलिस प्रशासन में मची खलबली। मुस्लिम व्यापारी की करतूताई सामने, पुलिस ने दुकान संचालक वाहिद कुरैशी को लिया हिरासत में, मुस्लिम व्यापारी ने बाजार का नाम छपवाया इस्लामिक बाजार, पंजाबी बाजार का नाम बदलकर छपवाया इस्लामिक बाजार, भारी मात्रा में थैले किए गए बरामद। पूरे मामले में स्थानीय लोगों के विरोध के चलते पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, पुलिस को मिली रिमांड की स्वीकृति। पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद किए हैं इस्लामिक बाजार लिखे हुए थैले, स्थानीय लोगों ने इस कृत्य का किया था विरोध,
और इसी खबर पर हमारे साथ मथुरा से संवाददाता मोहम्मद फारूक जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद फारूक, जिस तरह की घटना निकलकर सामने आ रही है, पंजाबी बाजार को इस्लामिक बाजार लिखवा कर थैले छपवाए गए थे, जिसका विरोध किया है। अब इस पूरे मामले में पुलिस की रिमांड में आरोपी को लिया गया है, व्यापारी को लिया गया है, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? जी प्रियंका, बिल्कुल, जो है ये थाना कोसी कला क्षेत्र का मामला है और यहाँ पर जो है एक पंजाबी बाजार है, जहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा यहाँ पर जो है अपनी दुकान के जो थैले छपाए गए थे उसमें इस्लामिक बाजार लिख दिया था, यानी उन थैलों पे। तो इसको लेकर तमाम लोगों में इस बात का रोष हो गया था कि ये थैलों पे इस्लामिक बाजार क्यों लिख दिया गया, जबकि वो पहले से पंजाबी बाजार है और जब पंजाबी बाजार पुराना नाम है उसका, तो वही नाम रहेगा। ये इस्लामिक बाजार लिखने का क्या आवश्यकता उनको पड़ गई, लेकिन पुलिस ने इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन पर मुकदमा लिखा और SDM छाता ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये जो है इस तरीके की घटना जो है पहली बार यहाँ सामने आई है मथुरा में। ये थाना कोसी कला के पंजाबी बाजार का मामला है और उसको जो है इस तरीके से इस्लामिक बाजार बनाना, ये एक अपने आप में गलत है। और तमाम जो स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं और तमाम व्यापारी हैं और वहाँ के जो निवासी हैं, उन्होंने इस बात का, क्योंकि उसी थैले में सामान रख के अपना वो देते थे, तो उस पर जो है लोगों ने एतराज जताया जिस पर लिखा हुआ था इस्लामिक बाजार, क्योंकि जो बाजार का नाम है पहले से पूर्व से चला आ रहा है वही बाजार का नाम रहना चाहिए। एक नए तरीके से जो है एक नई चीज प्रथा डालना और नई चीज को जो है सामने लाना अपने आप में गलत था प्रियंका जी। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से पुलिस को अब व्यापारी को पुलिस ने रिमांड पे लिया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या दुकान के संचालन को लेकर भी किसी तरह की कार्रवाई की गई है? जी प्रियंका, आप तो बता दें कि दुकान को पुलिस ने सील कर दिया है और जितने भी जो थैले इनके थे दुकान के अंदर और अन्य स्थानों पर, वो सारे थैले पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और 151 की कार्रवाई जो है DM की तरफ से की गई है, पुलिस की तरफ से की गई है। लेकिन उस कार्रवाई में SDM छाता ने इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, यानी इनको वेल न देकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अभी जो है प्रशासन जो है कड़ी कार्रवाई और करने के इनके खिलाफ मूड में है। प्रशासनिक कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई तो जरूर इनके खिलाफ होगी और बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि उनका कहना है कि इस तरीके से जो है एक माहौल बिगाड़ने वाला काम इन्होंने किया है, एक तरीके से एक नया इन्होंने एक प्रचलन पैदा करने का काम किया है। ऐसे ही अगर रहा तो दुकानदार अपना अलग अलग तरीके से नाम छपवा लेंगे या दुकानों के जो बोर्ड होते हैं साइन बोर्ड उन पर अलग अलग नाम लिखवा लेंगे, तो ऐसा प्रशासन का कहना है कि ये कतई नहीं चलेगा। अगर जो मार्केट है, जैसे कि कोई भी होली गेट जैसा मार्केट है या कृष्णानगर मार्केट है, तो वो उसी नाम से जानी जाएगी, और अगर पंजाबी मार्केट है तो पंजाबी मार्केट नाम से ही प्रियंका जानी जाएगी, ना कि उसका कोई अलग नाम दिया जाएगा प्रियंका। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से व्यापारी को इस समय रिमांड पे लिया गया है, आगे कार्रवाई की जा रही, दुकान को सील किया जा रहा है, क्या इस पूरे मामले में छानबीन के आधार पर कुछ जानकारी पुलिस लेने की कोशिश कर रही है, क्या तार कहीं और से भी जुड़े हो सकते हैं? जी प्रियंका, इसमें जो है क्यों इन्होंने ऐसा कृत्य किया है, ये दुकानदार का को जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है उसमें इनसे पूछताछ होगी, पुलिस इनको रिमांड पे लेगी कि क्यों इनको जो है मतलब इस तरीके का इन्होंने कृत्य किया है और उसको थैले पर इस्लामिक बाजार क्यों लिखा, क्या इनकी मंशा है, क्या उद्देश्य इनका था, इनकी मंशा जानने का भी प्रशासन प्रयास कर रहा है। और ये प्रयास भी इनका जो है क्यों हुआ और कहां से ये तार जुड़े हुए, ये सारी चीज अब जांच में निकल के आएगी प्रियंका। जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, नमस्कार।